एस्ट्रोलॉजी और ओकल्ड साइंस के लिए ऐसा कहा जाता है कि मिलियनर्यर्स डोंट बिलीव इन इट बिलियनर्यर्स डू तो मैं आपकी लाइफ में जानना चाहता हूँ आप कितना एक्टिवली ट्रेडिंग में अपने बिजनेस के साथ इसको इन्वॉल्व करते हैं दिन होते हैं इंपॉर्टेंट साल में जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स जब सन और मून इक्वल डिस्टेंस में होते हैं और दिन और रात आधे आधे एग्जैक्ट डिस्टेंस में होते हैं और वो आता है 21 मार्च और 21 सप्टेम्बर को मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस दिन पर मार्केट में बहुत बड़ी उछाल या गिरावट आती है तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में आज का एपिसोड होने वाला है फुल ऑफ नॉलेज दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में हम लोग अपने आपस में दोस्तों में बात करते रहते हैं कि तू इन्वेस्ट करता है कि नहीं तेरा पोर्टफोलियो है कि नहीं और हम पर्सनली बहुत डरते हैं इस मार्केट से इस टर्म से कि कब पैसा डूब जाए हमारे पेरेंट्स कहते थे ये तो जुआ है और आज इन सब मिथ्स को क्लियर करने के लिए हमने बुलाया स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ट्रेडर एंड ट्रेनर विशाल मलकान सर को सर बहुत सारे डाउट्स होते हैं यंगस्टर्स में स्पेशली कोविड के बाद और सर सोशल मीडिया पे अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट ट्रेनर्स हैं वो एक्चुअली लॉस कर रहे हैं ट्रेडिंग में पर कोर्स बेच बेच के बहुत सारे पैसे बना रहे हैं तो आज हम सारे डाउट्स अपने क्लियर करने वाले हैं आपके थ्रू क्योंकि आप पंद्रह साल से तो सिखा रहे हो और उससे पहले आप सोलह साल की उम्र से ट्रेड कर रहे हो तो सबसे पहले तो वेलकम सर थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए और या बहुत सारे डाउट्स होते हैं क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे डर भी लगता है स्टॉक मार्केट से ट्रेड करने के लिए क्योंकि कुछ पता नहीं है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बाहर फ्लोट होती है टेलीग्राम चैनल्स है इंस्टाग्राम चैनल्स होती है आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं तो टिप्स बहुत चलते हैं तो सबसे पहला जो कदम होना चाहिए स्टॉक मार्केट को पहले उसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि बाकी जैसे कोई भी प्रोफेशन होता है डॉक्टर लो इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पहले पढ़ाई करते हो फिर प्रैक्टिस करते हो फिर अपना बिजनेस चालू करते हो बट स्टॉक मार्केट में आप रातों रात ट्रेडर बन जाते हो आप अगर आपको कोई हार्ट की बीमारी है या कोई आ, केस अकाउंट्स के लिए है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे लेकिन स्टॉक मार्केट तो आप बाजू वाले का भी सुनोगे रिक्शा वाले का भी सुनोगे पान वाले का भी सुनते हो तो ये ये बहुत गड़बड़ है मार्केट में अगर आप इसको बिजनेस की तरह करना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ाई करो सर एक ना माइंड सेट है कि हम जैसे करने जाते हैं या हम घर वालों को बताते हैं कि आई वो डू स्टॉक्स आई वोट डू ट्रेडिंग तो एक माइंड सेट है कि भाई नहीं करना जुआ है आपका पैसा डूब जाएगा तो ये भी थिंकिंग है लोगों की तो ये माइंडसेट कैसे चेंज करें घर वालों का कि हम भी मोटिवेट हो पाए यही सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया था जब मैंने ज्वाइन किया था जब 16 साल की उम्र में 1996 की बात कर रहा हूँ तो मुझे भी बोला गया था कि सट्टा है गैम्बल है इसमें लॉस होता है ये कोई पट मतलब इसमें कोई कमाता नहीं है तो बट मैंने पहले पाँच साल जो मैं आ, कॉलेज में था तो मेरी कॉलेज और स्टॉक मार्केट बहुत नज़दीक थे एक्चुअली इसीलिए मैंने चुना था वो कॉलेज तो मैं ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में बिताया मैंने टाइम वहाँ पे मैं स्टडी करता था पहले एक साल तो ऐसे भी मेरे पास टाइम भी नहीं था पैसा भी नहीं था और मेरे मैं आई वाज माइनर तो मैं कुछ नहीं कर रहा था और सीख रहा था समझने की कोशिश कर रहा था धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा तो मैंने एक शेयर दो शेयर पाँच शेयर से ट्रेड करना शुरू किया और मेरा नसीब अच्छा था कि मार्केट ऊपर गया उस टाइम पर नाइन्टी सेवन नाइन्टी जैसे अभी टू में था तो पैसा बन गया अब जब बिना कोई नॉलेज के और या कोई एकदम कम नॉलेज से जब पैसा बनता है तो हमको लगता है अरे मेरे को आता है और वही मेरे साथ हुआ तो 20 साल की उम्र में 2000 हज़ार की साल में जब मैं टीवाई में था तब तेरे मेरे पास 20 लाख रुपए बन चुके थे और मुझे लगा अभी तो मुझे पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है अब तो मैं करोड़पति बनूंगा अब तो मेरे को समझ में आ गया है बट वो मेरा वहम था और मार्केट गिरा क्रैश हुआ डॉट कॉम बबल जो टू थाउजेंड वन का उसमें जो मैंने कमाए थे वो सब चले गए और ऊपर से चले गए तब मुझे समझा कि ये गेम को समझना पड़ेगा तो लॉस में पूरा ही लॉस में चला गया और जो मतलब इट वॉज सो फास्ट कि गिरता है मार्केट तो कोई किसी को रोकता नहीं मतलब कोई किसी को देखता नहीं है जो मार्केट तीन साल में चढ़ता है वो पंद्रह दिन में गिर सकता है जित जैसे वो बच्चे वो गार्डन में जाते और स्लाइड करते हैं तो वो स्टेप्स चढ़ के जाते हैं थर्टी सेकेंड्स एक मिनट लगता है लेकिन नीचे तीन सेकेंड में आ जाते हैं वैसे ही मार्केट चलता है तो वो सारा पैसा खत्म हो गया बाद में मैंने सोचा कि मेरे को तो पढ़ाई करनी पड़ेगी तो मैंने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा फाइनेंस एम किया बॉम्बे में और टेक्निकल एनालिसिस की किताबें और कोर्सेज़ उस टाइम पे जितने भी अवेलेबल थे छोटे मोटे कर रहा था और मेरी पढ़ाई का जो टाइम था वो 2001 से लेके 2007 उसके बीच में मैंने कम से कम 400 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट के ऊपर फंडामेंट फाइनेंस एमबीए भी किया तब जाके समझ में आया कि इसको अगर बिज़नेस बनाना है या प्रोफेशनली करना है तो दो तरीके हैं एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस दोनों में से एक अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो आप कर ये बिजनेस को संभाल सकते हो तो इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कैसे इसको क्या फ़ंडामेंटल है क्या टेक्निकल है बट मेनली आपको पढ़ाई करके काम करना है और आप जो बता रहे हो अब वो सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है मैं 96 की बात कर रहा हूँ लेकिन आज मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे पेरेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि इसको ट्रेडर बनाओ इसको ये लाइन में प्रोफेशनल बनाओ तो वो सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है क्योंकि काफ़ी एजुकेशन काफ़ी नॉलेज अवेयरनेस और रेगुलेटेड मार्केट हो चुका है तो वो धीरे धीरे बदल रहा है बट सर जैसे आप कह रहे हो नॉलेज बढ़ रही है मार्केट में और आप बहुत सालों से पढ़ा भी रहे हो बट आप पे भी एक वीडियो अभी रिसेंटली आउट हुआ है जिसमें कह रहे हैं कि आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो बट आप पैसा जो बना रहे हो वो ट्रेनिंग से बना रहे हो मतलब आप खुद तो सिखा रहे हो ऐसे वीडियो वो कह रही है और ऐसा भी केस आया भी जब से भी बहुत ज्यादा फाइनेंस क्रिएटर्स के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई कि आप टिप्स नहीं दे सकते आप मतलब अभी एक बहुत न्यूज तो एक तो है कि पहले टिप्स देने के लिए आपके पास एक लाइसेंस या एक वो सर्टिफिकेट होना चाहिए सभी का जो हम टिप्स नहीं देते हमारा सिर्फ ट्रेनिंग का काम है और वीडियो भी बनाई है तो वीडियो क्या होता है कि आ, वीडियो एक कॉन्टेक्स्ट में बनती है कोई भी डेटा कहीं से भी उठा के आप लगा दोगे तो उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है कितना रिटर्न था क्या स्ट्रैटेजी था क्यों लॉस हुआ क्यों मैंने प्रॉफिट किया क्या एडजस्टमेंट था बैलेंस शीट को मतलब वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जिसने भी बनाया उसके साथ मेरी बातचीत भी नहीं अगर मैं आपके ऊपर कुछ बनाता हूँ तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपका ये बिज़नेस है आपकी ये बैलेंस शीट है आपने ये किया वो किया इसमें और भी अकाउंट्स थे तो वो कोई दिखा नहीं रहा है तो मतलब ऐसे में मुझे लगता है कि जब तक मैं अभी अभी हमारे कॉन्फ्रेंस में गया था और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे तो आ, मैंने उनको बताया कि मैं ये काम कर रहा हूँ वो ये काम कर रहे तो उसमें एक जन ने बताया कि आप सही इन्फ्लुएंसर या सही बड़े आदमी तब बनते हो जब आपके ऊपर एक्सपोज वीडियो बनता है <laughs> तो मैं अभी तक नहीं बना था अभी बन चुका है और जब आपके ऊपर मीम्स बनने शुरू हो गए बिकॉज दैट्स वेयर जो हीट होती है नीचे से ही आती है पर कुछ लोग ऐसा कर रहे थे कि कुछ स्टॉक ट्रेडर्स कि भाई लॉस हो रहा है पर और ऐसा समझो अभी मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल चलो मैं एक्सेप्ट भी कर लूँ चलो लॉस हो गया मेरा तो उससे मेरा नॉलेज थोड़ी कम हुआ मैं 27 साल से सीख रहा हूँ और सिखा पंद्रह साल से सिखा रहा हूँ चार से ऊपर किताबें पढ़ी और हज़ारों स्टूडेंट्स प्रॉफिटेबल है और वो उसके टेस्टिमोनियल्स या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी शेयर भी किए और हम लोग हर अप्रैल में जब मार्केट मतलब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो मैं अपना अकाउंट्स यूट्यूब पे ओपनली पब्लिश करता हूँ जो लास्ट ईयर भी किया था इनफैक्ट दो हज़ार बाईस में मैंने अपना लेजर सबमिट किया था यू ट्रेडिंग चैंपियनशिप में और मैं वहाँ पर फोर्थ रैंक पर था एटी रिटर्न जनरेट करके वो भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में और 2023 में भी मैं बारहवीं या तेरहवीं जगह पे हूँ 72 परसेंट रिटर्न पे तो और वो भी वेरीफाई करते होंगे वैसे तो वो अपने से तो ज़्यादा ही आगे है तो अगर मतलब ये कौन क्या डेटा देखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है और चलो मैं वो सब भी गलत है वो भी समझा लो लेकिन इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं बारह से ज़्यादा तेरह से ज़्यादा वीडियो है हमारे यूट्यूब पर और इतने फॉलोअर्स है वो कोई ऐसे ही तो नहीं है इतने सारे एसोसिएशन है हमारे जो एसोसिएशन है सी के साथ हमने एसोसिएशन करके प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर फिर आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हमारा एसोसिएशन है जहाँ पे हम हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम्स और ट्रेडिंग प्रोग्राम्स को मर्ज करते हैं क्योंकि ये काम बहुत माइंडसेट वाला है हमने सेवन हैबिट्स आपने सुना होगा सेवन हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल जो स्टीफन कवे फ्रैंकलिन कवे का बुक है जो मोस्ट सोल्ड आउट कॉपी ऑन पर्सनल डेवलपमेंट उनका करिकुलम हमने राइट्स ले लिया इंडिया में सिखाने के लिए तो हमारे प्रोग्राम्स में हम खाली स्ट्रैटेजी या कैसे बाय सेल करना वो नहीं सिखाते वो तो मैं यूट्यूब पे ऐसे भी फ्री में सिखा देता हूँ बट हमारे प्रोग्राम्स में हम माइंड सेट ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते हैं माइंड बॉडी और सोल खाली पैसा बना के और स्ट्रेस में रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे अच्छा है कि आप पूरी तरह से इवॉल्व हो जाए इसलिए ये सारी चीज़ें हैं सो so, कभी कभी वीडियो बनता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है कोई आदमी क्या देख रहा है क्या डेटा देख रहा है तो ठीक है सही है सर आपके ऊपर वीडियो वीडियो गया उसका गया कंटेंट बन उसको एक वीडियो मिल गया, अपना उसका घर चल रहा है बढ़िया कोई लोड नहीं है वो तो परफेक्ट मैं तो खुश हूँ क्योंकि जो लोग नहीं जानते थे वो भी जान रहे हैं मुझे इतने सारे डीएम्स और मैसेजेस आ रहे हैं कोर्ट्स की इंक्वायरी बढ़ गई है क्योंकि सबको समझ में आता है ना एक वीडियो के सामने तेरह सो वीडियो है इतना फॉलोइंग है इतने सारे सब्सक्राइबर्स है सही बात है और और सर मार्केटिंग ये इस वाली मार्केटिंग से बढ़ी तो मार्केटिंग नहीं होती ऑर्गेनिक ऑडियंस मिलती है वहां तक पहुंच

या घर चला रहे या उनका कोई भी प्रोफेशन है फ्री है तो इनफैक्ट उल्टा है कि हम इंटरनेट ट्रेडिंग जो आप बता रहे हो कि पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करना है वो बिल्कुल प्रमोट नहीं करते मैं खुद भी नहीं करता हूँ करना करना भी नहीं चाहिए अगर छोटा कभी फ्री हो ठीक है लेकिन वो एज ए आदत मोस्टली जो इंटरनेट ट्रेडिंग है वो थोड़ा सा एडिक्टिव हो जाती है एडिक्टिव मतलब आपको उसकी उसका नशा हो जाता है क्योंकि वो आपको इंस्टेंट किक देती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से होती है बट अगर आपको रियल पैसा चाहिए तो आपको पैसिव इनकम मतलब आप ट्रेड करोगे अपना ऑर्डर्स डालोगे और आप अपना काम करो जैसे आज मार्केट चालू है मैं यहाँ पे पॉडकास्ट पे आपके साथ बैठा हूँ तो मेरे को मेरा ट्रेड चालू है मेरी टीम ट्रेड कर रही है मेरा सिस्टम है और वो जब ट्रेड ऑर्डर होगा तो हो जाएगा मैं क्या कर सकता हूँ तो वो बिल्कुल मुझे नहीं लगता है वो यंगस्टर्स में स्पेशली वो एक रहता है कि मैं आज पैसा बना लूँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज लिया आज बेचा विच इज़ नॉट सो गुड बट सर इनिशियली उसमें घुसने के लिए जैसे कहते हैं कि यार मैं तो इसका कीड़ा बनूंगा तभी जाके मुझे नॉलेज होगी इसमें फिर फोन में लगा ही रहूंगा इनिशियल डेज में कह सकते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं। इनिशियल डेज में मतलब आप ये समझो कि समझो आप क्रिकेट खेलना है आपको और क्रिकेट में हर तरह का होता है टेस्ट मैच फिर वन डे और फिर ट्वेंटी ट्वेंटी और तो कोई भी आदमी जब खेलता है स्टार्टिंग में तो वो पहले लंबा गेम खेलता है वो सीधा सीधा उसको ट्वेंटी ट्वेंटी में घुसा दिया तो या तो हिट आउट गेट आउट हो जाएगा और पहली बार में अगर इंट्राडे में लॉस हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस हो जाए आप एक शेयर खरीदो और एक महीना रोको देखो क्या होता है गेम को समझो मैं तो बोलता आप पेपर ट्रेडिंग करो फॉर एक महीना दो महीना छः महीना एक साल तक पेपर ट्रेडिंग मतलब आप एक्चुअल पैसा नहीं लगा रहे हो आप खाली चार्ज देख के ट्रेड कर रहे हो पेपर पे तो समझ में आएगा आपके पास पूरा टाइम है ये मार्केट ऐसा है कभी ख़त्म नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा कोविड में भी एक भी दिन बंद नहीं था तो ये तो चलता ही रहेगा ऊपर नीचे साइकिल चलती है बट आप पहले गेम को समझो अगर साइड बाय साइड आप कुछ और कर रहे हो पर इसको अच्छे से समझ रहे हो तो वो ज्यादा बेटर है करना ही चाहिए एकदम घुसना ज्यादा पैसा लगाना और सर जैसे यंग ऑडियंस है अभी जिनका रिस्क लेने का वो भी है कैपेबिलिटी है कि अभी चलो अच्छी इनकम जनरेट हो रही है हम साइड बाय साइड एक थोड़ा मेजर रिस्क ले सकते हैं बट कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार मैं क्या करूँगा नॉलेज लेके मेरे पास तो टाइम नहीं है किसी को दे देते हैं कि यार आप मेरा पैसा लगा दो वो वो कैसे वो 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 ठीक है वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स है बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स है और वो पैसा जब किसी के हाथ में दे देते हो तो आपके हाथ में फिर वो लॉस भी होगा प्रॉफिट होगा आपके ऊपर आपका कुछ कंट्रोल नहीं है और मैं हमें मेरे पास भी लोग आते हैं कि आप पैसा संभालो मेरा मैं पैसा नहीं संभाल रहा हूँ आपको सिखा देता हूँ और आप किसी और को पैसा संभालने दो तो भी मैं बोलता हूँ कि आप सीखो पहले मतलब आप सीखोगे और फिर फिर किसी और को देते हो तो आपको समझ में आता है कि वो आदमी गलत कर रहा है कि सही कर रहा है अगर आपको कुछ पता ही नहीं है और किसी को पैसा दे दिया और उसने लॉस कर दिया तो आप कुछ उसको पूछ नहीं सकते हो कि क्यों, क्यों हो गया क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमेशा थोड़ा बहुत और इतना टाइम नहीं लगता है जितना आपको लगता है ये थोड़ा बेसिक समझने को एक दो दो तीन किताबें और एक दो बड़े कोर्सेज या वीडियोस या आप बराबर से समझ लोगे तो इतना मुश्किल नहीं समझने के लिए और प्रोफेशनली करना है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और मैं समझता हूँ कोई भी बिज़नेस में लगता है जैसे आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए चार चार साल लगता है तो पढ़ाई इसमें भी लगती है तो टेक्निकल और फंडामेंटल जैसे मैं बात कर रहा था तो कोई भी एक चीज़ में आपको मास्टर करना है सर थोड़ी आ, मार्केट की ही बात करते रहे थोड़ा आप बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या रीजन होते हैं कि मार्केट क्रैश हो जाती है क्या रीज़न्स होते हैं इसके बीच चलिए ये सही है तो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ जैसे मैंने बताया फंडामेंटल और टेक्निकल फंडामेंटल में क्या होता है कि आप कंपनी का बैलेंस शीट देखो उसके मैने उसके मैनेजमेंट प्रमोटर्स उसका सेल्स उसका रेशियोज जो बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल सिचुएशन से भी मार्केट ऊपर नीचे होता है डॉलर प्राइस से भी ऊपर नीचे होता है ऑयल प्राइस से भी ऊपर नीचे होता है कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन से भी ऊपर नीचे होता है तो ये हो गया फंडामेंटल फंडामेंटल करने के लिए आपको शायद फाइनेंस डिग्री चाहिए चार्टड अकाउंटेंट एम बी ए फाइनेंस बट एक आम आदमी जो जो नहीं जानता ये फाइनेंस जैसे डॉक्टर है इंजीनियर है या होम मेकर है स्टूडेंट है तो उसको फंडामेंटल नहीं समझ में आएगा क्योंकि इतना सारा डेटा और उसके समझने के लिए स्किल भी चाहिए तो उसके सामने दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस क्या है? जो हम सिखाते हैं वो है चार्ट्स आपने देखा होगा लाइंस ऊपर नीचे ग्राफ्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है तो काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि खाली चार्ट देख के कैसे ट्रेड हो सकता है अरे फंडामेंटल तो जानना चाहिए कंपनी के बारे में जानना चाहिए ना हम लोग पंद्रह साल से सिखा रहे हैं और टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है मतलब एप्लीकेबल है मतलब आप इंडिया के में इंडिया के स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हो यूएस के स्टॉक में भी कर सकते हो कमोडी में भी कर सकते हो करेंसी में मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि समझो कि आप जब समझो कोई बीमारी हो हार्ट की बीमारी होती है तो पहले क्या हम निकालते हैं ई निकालते हैं ई क्या होता है वो लाइंस दिखती है अब अब ईसीजी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाओगे तो डॉक्टर लाइंस के ऊपर से बताएगा कि आपका हार्ट ठीक है कि नहीं है अगर लाइंस में कुछ गड़बड़ है तो बोलेगा और टेस्ट कराओ एंजियोग्राफी एनजियो कुछ तो करना पड़ेगा और नहीं है तो बोलेगा ठीक है आराम करो हो जाएगा अब ये लाइन्स आप अगर मेरे हाट का है आपके हार्ट का है इनके हाट का है वो आदमी वो नहीं देख रहा है क्या नाम है वो देख रहा है कि लाइंस क्या बता रही है वैसे हम चार्ट्स देखते हैं और फिर वो रिलायंस का हो टाटा स्टील का हो टाटा मोटर्स का हो निफ्टी का हो या यू मार्केट का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर लाइन्स में तीन ही चीज़ हो सकती है एक अप ट्रेंड होता है एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज ट्रेंड होता है अप ट्रेंड है तो मुझे खरीदना है डाउन ट्रेंड है तो मुझे बेचना है साइडवेस्ट ट्रेंड है तो मेरे को कुछ नहीं करना है और उसके साथ कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जिसके साथ आपको पता चल सकता है ये फास्ट जा रहा है स्लो जा रहा है जैसे मोमेंटम इंडिकेटर एक बार ये समझ में आ गया तो आप मार्केट का हार्ट देख रहे हो और हार्ट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है अब मार्केट क्रैश हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके पीछे हजार कारण हो सकते हैं अब क्यों हो रहा है ये जानने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है अच्छा ये लोग यही गलती करते हैं सब कितनी बार मुझे ये अरे ऊपर क्यों जा रहा है नीचे क्यों जा रहा है अभी इतनी सारी चीज़ें हैं कौन किसको मालूम कि क्यों ऊपर नीचे जा रहा है ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है यूएस में क्या हो रहा है हमको क्या करना है हमको क्या चाहिए एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर कि मुझे क्या करना है मुझे अगर नीचे जा रहा है तो कहा बेचना है ऊपर जा रहा है तो मेरे को कहा खरीदना है और अगर खरीद रहा हो तो मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ यही जानने की जरूरत है मुझे क्या क्यों ज्यादा की जरूरत नहीं है 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 सर बट हमने ये भी सुना ऐसा होता आप बताइए कि जैसे बड़ी कंपनीज है इन्वेस्टर्स हैं वो कर देते हैं शेयर्स और मनी को ऐसा होता है अब कुछ कुछ हद तक कुछ कुछ स्टॉक्स में हो सकता है लेकिन हमारे मार्केट में तीन हजार स्टॉक्स है ये परखा नहीं जा सकता पर बंदा परखा नहीं जा सकता वो तो जब जो गलत चीज़ तो जब बाहर आती है तभी पता चलती है जब तक तो नहीं चलती है बट हम जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स पे काम करते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी आप जो भी जो भी बड़ा स्कैम हुआ है जिस कंपनी में और फिर वो स्टॉक गिरा है नीचे जैसे लास्ट फ्यू ये ईयर्स में येस बैंक ये या स्पाइस जेट या जेट वो किंग फिशर एयरलाइंस या सत्यम कंप्यूटर्स इन द लास्ट टू तो ये सारी चीज़ों में अगर कुछ भी स्कैम होता है कोई भी स्टॉक में तो किसी ना किसी को तो मालूम है राइट और वो अगर आपको पता है कि ये कंपनी में ये होने वाला है और आपके पास शेयर है तो आप क्या करोगे पहले जाके बेच दोगे फिर और आप और लोगों को बोलोगे आप वो बेचेगा वो बेचेगा तो उससे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा चार्ट नीचे आएगा हम चार्ट की स्टडी करते हैं और चार्ट नीचे आएगा मुझे पता नहीं कि स्कैम हो रहा है बट चार्ट तो नीचे आ रहा है तो मेरे सिग्नल में तो वो सेल हो गया मैंने सेल कर दिया अब बाद में पता चलता है कि स्कैम था और वो जोर से गिरता है तो अगर आप खाली चार्ट्स को स्टडी करोगे और उसके सिग्नल को फॉलो करोगे तो आप स्कैम हो ना हो आप सही टाइम पे आपको रिस्क मैंने सौ में लिया है मेरा नब्बे का स्टॉप लॉस है मैं नब्बे होगा तो निकल जाऊँगा फिर वो स्कैम की वजह से दस भी हो जाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है ओके एंड सर ये मार्केट जो आप ग्राफ देखते हो जैसे अगर नीचे आ रहा है तो इट्स इज देर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन जितने दिन तक आप देखोगे क्योंकि कई बार ऐसे आके ऐसे भी जा सकता है येस yes. सो so, uh, अगर आप चार्ट्स की भाषा समझते हो तो उसमें होता है डेली चार्ट वीकली चार्ट मंथली चार्ट और जो लोग एकदम छोटा ट्रेडिंग करते हैं वो इंटरनेट चार्ट्स पाँच मिनट का चार्ट पंद्रह मिनट का चार्ट बीस मिनट का चार्ट वैसे देखते हैं। तो अगर मैं मेरे पास टाइम नहीं है और मैं uh, बिजी हूँ जॉब में बिज़नेस में तो मुझे ऐसा ट्रेडिंग करना है जो मुझे रोज ना देखना पड़े तो मैं फिर वो पाँच मिनट वाला चार्ट नहीं देखूंगा मैं डेली वाला देखूंगा वीकली वाला देखूंगा ताकि मैं बाय करूं और फिर थोड़े दिनों तक उसको होल्ड करूं और वो पोजीशन चलती रहे तो वो मतलब मैं अगर आपको और डिटेल में जाओ तो अलग अलग तरह के ट्रेडिंग होते हैं तो ये ऑडियंस के लिए भी अच्छा होगा कि सबसे छोटा ट्रेडिंग होता है उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग मतलब वो एक मिनट के अंदर बाइसेल कर लेते हैं बाइसेल पूरा दिन वही करते रहते हैं उसके अच्छा। ऊपर होता है इंटराडे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आज सुबह लिया और शाम तक खत्म कर दिया मतलब नौ बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक आपको ख़त्म करना है दूसरा होता है बी टी एस टी बी टी एस टी मतलब बाई टुडे सेल टुमारो आज लेके कल बेचना है दो दिन का ट्रेड उसके ऊपर होता है स्विंग ट्रेडिंग स्विंग मतलब आज लेके सात दिन तक एक से सात दिन एक से दस दिन के बीच में ट्रेड होता है उसके ऊपर होता है पोजिशनल ट्रेड एक से लेके तीन महीने तक एक दिन से लेके तीन महीने तक उसके ऊपर होता है मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग छः महीने नौ महीने तक और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक साल दो साल तीन साल अब आपके पास कितना टाइम है ये करने का आपके पास पैसा कितना है रिस्क कितना है आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है उस हिसाब से आप इसमें से चुनोगे कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ या मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं या मैं इन्वेस्टर हूँ या मैं इंटरेडेड ट्रेडर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो आप किन को सजेस्ट कर, करते हो कि जिनके पास टाइम नहीं है और सब इनफैक्ट सबको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहिए क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना शॉर्ट टर्म तो उससे जो पैसा बनता है उससे आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स खरीदो समझ में आप शॉर्ट टर्म पे पैसा निकालते जाओगे वो पैसे वापस इन्वेस्ट तो करना है उससे अच्छे स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में जो लॉन्ग टर्म के पे या स्ट्रैटेजी पे बैठते हैं उसको खरीदते जाओगे तो आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और यहाँ से ट्रेडिंग तो दो तरह के इनकम होते हैं एक वेल्थ बिल्डिंग जो इससे पोर्टफोलियो बड़ा होता है और एक इनकम जनरेशन जो आपको हर हर महीने या हर पंद्रह दिन में या हर दो महीने में इनकम देता है तो एक शॉर्ट टर्म इनकम एक लॉन्ग टर्म इनकम दोनों करना चाहिए सर क्योंकि आप ए, सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग ही नहीं आप इंसान की ओवरऑल माइंड स्टेटस भी ठीक करने की कोशिश में रहते हो कि स्ट्रेस भी ज़्यादा ना हो ओवरऑल लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो बॉडी भी अच्छी हो सोल भी अच्छी हो तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग स्टॉक ट्रेडिंग अभी नहीं कर रहे बट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए कुछ हम टिप्स दे कि वो अपना माइंड अपना काम में कैसे फोकस कर सके कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सके इस तरफ डाइवर्ट हो सके एक जगह से क्योंकि सबको ऐसा लगता है यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है हर कोई इस चक्कर में परेशान है कि चार चार घंटे कैब में जैसे हम नोएडा रहते हैं नोएडा से गुड़गांव गुड़गांव से नोएडा चार घंटे इसमें चले गए बाकी दिन ऑफिस में चले गए हमें टाइम ही नहीं मिला तो टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस का मैनेजमेंट में आप थोड़ा बताओ सही सही है तो हमारे प्रोग्राम्स में हम सब कुछ करवाते हैं मतलब मेडिटेशंस uh, भी करवाते हैं हमारा एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट uh, है जहाँ पे हमने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी का जो फाउंडेशन है बैंगलोर में उनके साथ टाइप किया है तो हमारे हर एक प्रोग्राम में हम मेडिटेशन करवाते हैं क्योंकि ये काम में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि हम डायरेक्ट पैसे से काम कर रहे हैं और और आपने देखा होगा कि रोज ऊपर नीचे होता है और उससे आपका टेंशन ऊपर नीचे हो सकता है तो और डिसीजन सही लेना है क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता उतर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो आपका लॉस हो सकता है और वो सही डिसीजन लेने के लिए आपका माइंड शांत और स्थिर होना चाहिए इसीलिए हम मेडिटेशन करवाते हैं तो एक वो हो गया और दूसरा तो टाइम का तो मुझे लगता है कि टाइम सबके पास 24 घंटे हैं आपके पास भी मेरे पास भी और वारन बर्फे के पास भी और बिल गेट्स के पास भी अगर आपको कुछ करना ही है तो आप टाइम निकालोगे जैसे हमारे आपने बताया ना अच्छा है कि दो घंटे ट्रैवलिंग में निकल जाते हैं तो हमारे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो का ये सीख रहे और ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है उसमें हमारे वीडियोज़ देखते हैं वो ऐप्स पे और हमारे टैब्स पे तो उसमें सीखना भी हो जाता है समझना भी हो जाता है तो मतलब अगर जिसको सीखना है वो तो टाइम निकालेगा क्योंकि ये एक ऐसी कला है जो आज एक ऐसा ज़माना है हाई इनकम स्किल्स का एक टाइम था जब डिग्रीज़ की बात होती थी अभी भी डिग्रीज़ है डॉक्टर इंजीनियर चार्टर अकाउंटेंट बनो वो आपका प्रोफेशनल ट्रेडिशनल वे है और आज के ज़माने में नया स्किल क्या है हाई इनकम स्किल्स और उसमें से एक है स्टॉक टेंट जैसे एक पॉडकास्टिंग ये भी एक हाई इनकम स्किल हो गया है कितने सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास डिग्री की जरूरत नहीं है लेकिन आपके पास बोलने की क्षमता होनी चाहिए तो ए स्टॉक मार्केट एक हाई इनकम स्किल है एक बार आपने मास्टर कर ली चले एक साल लगे दो साल लगे तीन साल लगे जिंदगी भर आपको रिटर्न दे सकती है तो उसके लिए टाइम निकालना आपके लिए ज़रूरी है और जितना जल्दी करोगे क्योंकि मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जितना भी आप पैसा बनाओगे कोई भी फील्ड से आप पैसा कहाँ डालोगे सेविंग्स में तो नहीं डालोगे सेविंग्स में तो कुछ मिलेगा नहीं आज के ज़माने में तो आप म्यूचुअल फंड में डालोगे यूनिट लिंक प्लान्स में डालोगे तो अल्टीमेटली तो मार्केट में ही आ रहा है तो उससे अच्छा खुद ही सीख लेंगे तो डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो तो नहीं तो इनडायरेक्टली आपका पैसा तो स्टॉक मार्केट में आ ही रहा है तो बेटर है कि आप डायरेक्ट कर लो अच्छा सर अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कोई ऐसे टेन बेस्ट ऑप्शंस जिसमें कंपनीज कह लो कुछ भी कह लो किस में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप नाम दे सकते हो या सजेस्ट कर सकते हो तो मुझे लगता है कि मैं डायरेक्टली ऐसे स्टॉक्स यहाँ पे रेकमेंड तो नहीं कर सकता हूं और ना ही करना चाहता हूँ और वो मैं अपना प्रोसेस आपको समझा सकता हूँ मेरा प्रोसेस क्या है हमारा एक प्रोसेस है कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि जब भी हम कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं पहले वर्ल्ड मार्केट्स जो है जैसे यूएस मार्केट यू मार्केट एशियन मार्केट्स उसकी कंडीशन क्या है वो क्या अप ट्रेंड में है या साइडवेज में है डाउन ट्रेंड में है तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल वो अप ट्रेंड में है जैसे 2023 में सारे मार्केट्स अप ट्रेंड में थे और उसके बाद मैं इंडियन मार्केट्स को देखता हूँ जैसे इंडियन मार्केट्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी और ये सारे सेक्टर्स ऊपर ये मार्केट ऊपर था तो वर्ल्ड मार्केट ऊपर है तो उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट व्यू उसके बाद इंडियन मार्केट भी ऊपर है उसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू उसके बाद एरियल व्यू आता है कि इंडियन मार्केट में सेक्टर्स कौन से चल रहे हैं तो जब मैं 2023 की बात कर रहा हूं तो उसमें रियल एस्टेट स्टॉक्स सबसे ऊपर चल रहे थे राइट इन्फ्रास्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स ऊपर चल रहे थे तो ये हो गए एरियल व्यू अब ये एरियल व्यू के बाद आता है माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर मैं समझता हूँ कि इन रियल एस्टेट स्टॉक्स ऊपर चल रहे तो उसमें कौन से कौन से स्टॉक्स हैं ओबेरॉय बेरोल रियल्टी है डी एल एफ है या शोभा है जो भी है तो उसमें से बेस्ट स्टॉक को हम सिलेक्ट करते हैं और उस टाइम हमने सिलेक्ट भी किया था उसके बाद डी एल एफ काफ़ी चला तो वैसे ही अगर आज के तारीख में मुझे यही करना है तो मैं फिर से वही एनालिसिस करूँगा और देखूँगा कि आज के तारीख में वो सेक्टर कौन सा है और स्टॉक कौन सा है ओके okay. और अगर टॉप टौ, का डाउन है तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि जैसे हाँ, यू, तो अगर डाउन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैंने ये मैं बहुत जनवरी से मैं बता रहा हूँ कि 2024 एक अनोखा साल है क्यों क्योंकि ये एक ऐसा साल है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही है एक है लीप ईयर जो चार साल में एक बार आता है अभी आप बोलोगे लीप ईयर का क्या लॉजिक है क्योंकि लीप ईयर ट्रेडिशनली हिस्टोरिक हमारा काम है पिछले पैटर्न्स को स्टडी करना चार्ट्स को स्टडी करना तो जितने भी लीप ईयर है 1992 हर्षद मेहता स्कैम टू डॉट कॉम बबल 2008 थाउजेंड सब प्राइम क्राइसिस टू थाउजेंड सिक्सटीन कोविड तो ये सारे लीप ईयर थे तो लीप ईयर में वॉलीटिलिटी बढ़ जाती है तो ये साल भी वैसा ही है और अभी तक आप देख रहे हो कि वॉलीटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है अभी तीन ही महीने हुए दूसरा है ये नंबर आठ है न्यूमरोलॉजी में जा रहा हूँ मैं थोड़ा सा तो काफ़ी लोग बिलीव नहीं करते लेकिन जब भी आठ नंबर होता है तो दैट्स कॉल्ड द नंबर ऑफ सैटन और शनि तो वो बहुत वॉलेटाइल होता है तो वो भी हिस्टोरिकली देखा गया है तो उसके वजह से भी है और चलो ये आप न्यूमरोलॉजी छोड़ दो लीप ईयर छोड़ दो लेकिन दो बड़े इलेक्शन हैं इंडिया का इलेक्शन भी है और यूएस का इलेक्शन भी है एक ही साल में और उसके साथ और 50 कंट्री में भी इलेक्शन है अलग अलग छोटे छोटे बट हमारा हमारे लिए मेन इंडिया और यूएस होता है तो इस वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा मार्केट मतलब वन साइडेड नहीं रहेगा तो जो 2023 में मैंने जो टॉप डाउन अप्रोच किया था कि सब मार्केट ऊपर है चलो सेक्टर खर्च वैसा नहीं होने वाला है मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट होगा मतलब उसमें पहले लास्ट ईयर क्या था कि हमने खरीदा रुके होल्ड कर रहे चल रहे ऊपर सब पैसा बना रहे इस बार ऐसा नहीं होगा आप कमा ज्यादा सकते हो इसमें कमा ज्यादा सकते हो और उसी पे मैं आ रहा था कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब कमाते हैं जब नीचे जाता है तो वही कमाता है जो शॉर्ट करता है अब शॉर्ट क्या होता है कि आप पहले बेचोगे और बाद में खरीदोगे अब ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है जो आप खाली डेरिवेटिव्स में कर सकते हो और डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और वहां पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है और कैपिटल भी ज़्यादा लगता है तो जो जिसके पास कैपिटल कम है वो कुछ नहीं वो नहीं कर सकता है उसको खाली ये जब डाउन ट्रेंड होता है उसमें अपने पैसे को बचा के रखना है और जब फिर से वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है जब टर्न मारेगा तब उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बट अगर आपके पास कैपिटल है तो आप शॉर्ट करके भी डाउन ट्रेंड में पैसा बना सकते हो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आठ नंबर पे ये साल आ रहा है और हमारे एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट भी जनता बहुत पसंद करती है और एस्ट्रोलॉजी और ओकल्ड साइंसिस के लिए ऐसा कहा जाता है कि मिलियनर्यर्स डोंट बिलीव इन इट विलियनर्यर्स डू तो आ, मैं आपकी लाइफ में जानना चाहता हूँ आप कितना एक्टिवली ट्रेडिंग में अपने बिजनेस के साथ इसको इन्वॉल्व करते हैं क्या कुछ ऐसे साल या कुछ ऐसे दिन होते हैं जो आपको पता होते हैं जिस दिन आप ट्रेड नहीं करते या कैसे काम करते हो आप कितना कितना इसको अपने ऊपर इम्पैक्ट करने देते हो या कितना इन साइंसिस की हेल्प लेते हो डेफिनेटली मैं आई बिलीव इन ऑल दिस एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज न्यूमरोलॉजी और काफ़ी सालों से मैं फॉलो भी कर रहा हूँ कुछ हद हाँ तक मैंने सीखा भी है और मेरी वाइफ मेघना मलकान शी इज़ ऑलरेडी सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छा तो पहले हम कंसल्ट करते थे और सबके फेवरेट जो इंडिया में फेवरेट न्यूमरोलॉजिस्ट है जोमानी जी जो सारे फिल्म स्टार्स और बॉलीवुड और क्रिकेटर्स भी फॉलो करते तो हमने उनसे भी कंसल्ट किया है और काफ़ी फ़र्क पड़ता है मुझे लगता है और मुझे पता है कि ये काफ़ी टॉपिक ऐसा है कि कुछ लोग नहीं करते कुछ लोग करते बट जिसको जो करते हैं उसके लिए चलता है जो नहीं करते उसके लिए नहीं चलता है और मैं इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस वो भी वैसा ही है काफ़ी लोग बोलते हैं टेक्निकल चलता ही नहीं है तो अभी उनके लिए नहीं चलेगा और हमारे लिए तो यही धर्म है तो ऐसा हमारा कोर्ट है कि इट्स नॉट द इंडिकेटर दैट वर्क्स इट्स द बिलीफ इन द इंडिकेटर दैट वर्क्स मतलब आपका जो विश्वास है वो चल रहा है तो न्यूमरोलॉजी uh, को फॉलो करते हैं हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स या कोई भी नाम प्रोडक्ट का नाम कंपनी का नाम या वेबसाइट का नाम हम न्यूमरोलॉजिकली स्पेल करते हैं स्पेल करते हैं और जब तक टाइम साइकिल्स की बात आती है हमारे सब्जेक्ट में वहाँ पे मैं जैसे हमारा जो चार्ट जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो होते हैं उसमें से एक टाइम एनालिसिस है और एक प्राइस है बट ज़्यादातर लोग जो करते हैं वो प्राइस एनालिसिस करते हैं कि यहाँ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा सपोर्ट है रेजिस्टेंस है बट टाइम का एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं अब टाइम साइकिल्स मतलब क्या कि इम्पॉर्टेंट डेट्स पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है रिपीट होती है और उसमें से अलग अलग तरह के टाइम साइकिल्स है उसमें से एक है एनिवर्सरी साइकिल एनिवर्सरी मतलब जैसे जैसे हमारा बर्थडे होता है एनिवर्सरी होता है हम हर साल मनाते कभी धूमधाम से मनाते कभी शांति से मनाते वैसे अगर आप देखोगे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो शायद ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा कि ट्वेंटी एथ अक्टूबर ये दिन पे सबसे बड़ा क्रैश हुआ था 1929 में यही दिन पे सबसे बड़ा क्रैश हुआ 1920 1987 में और यही दिन पे बड़ा क्रैश हुआ 2008 में और इसी दिन पे छोटे मोटे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते रहते हैं लास्ट कुछ सालों में तो ये एक डेट है अब मैं मुझे पता है ये डेट आ रहा है तो उस दिन मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा घर बार लगा दूंगा मतलब मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट डेट है और इस दिन पे अगर प्राइस ने भी मुझे कंफर्मेशन दिया मतलब जो मैं सिग्नल देख रहा हूँ चार्ट्स पे वो टाइम और प्राइस दोनों साथ में आता है तो मेरा जो ट्रेड का कन्विक्शन है या कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा जहाँ पे मैं शायद 200 शेयर करने वाला हूँगा वहाँ पे मैं शायद 500 शेयर करूंगा रिस्क उतना ही रखूँगा छोटा लेकिन क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं उस मोमेंट का कैप्चर कर सकूँ और ये सिंगल इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत काम कर रही है तो मैं कुछ कुछ साल में ऐसे कुछ डेट्स हैं जहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि उसी टाइम पे अगर अच्छे से ट्रेड कर लिया तो रोज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है ये इसको सीजनल बिजनेस बना सकते हैं बट सर अगर देखा जाए ये आप पिछले कुछ सालों की पुरानी डेट्स को एग्जामिन कर रहे हैं आप कर कर एनालाइज रहे हैं उसको फिर दिस कम्स टेक्निकल पार्ट राइट तो इसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ से इन्वॉल्व तो, होता है बिकॉज हाँ, ये तो आप एक टाइम uh, इंटरवल देख रहे हैं नोटिस कर रहे हैं आप खुद के अपना टेक्निकल पार्ट है ये आइए तो एस्ट्रोलॉजी समथिंग कॉल्ड लूनार साइकिल चौदह दिन का साइकिल होता है न्यू मून डे फुल मून डे तो ये ये भी हम देखते हैं और दूसरा है कि आ, एक दो दिन होते हैं इंपॉर्टेंट साल में जिसको बोलते हैं इक्विनॉक्स जब सन और मून इक्वल डिस्टेंस में होते हैं और दिन और रात आधे आधे एग्जैक्ट डिस्टेंस पे होते हैं और वो आता है इक्कीस मार्च और इक्कीस सप्टेम्बर को हर साल इक्कीस बाईस बीस इक्कीस एक आध दिन आगे पीछे और मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस दिन पे मार्केट में बहुत बड़ी उछाल या गिरावट आती है इस दिन के आजू बाजू एक दो दिन प्लस और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स चार्ट्स मैंने कुछ वीडियो भी बनाया उस पर भी है मेरे कुछ बड़े से बड़े ट्रेड जो प्रॉफिटेबल हुए वो इक्विनॉक्स के दिन पे ही हुए अगर आपको मैं बताऊं कि लास्ट सितंबर यही चीज़ मैंने और एक पॉडकास्ट पे बोली थी लास्ट टाइम जुलाई में तो 2023 में और काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था काफ़ी वो वायरल भी हो गई जुलाई में वीडियो रिलीज़ हुआ और सप्टेम्बर इक्कीस को मार्केट गिरा अच्छा और उसमें मेरा सबसे बड़ा ट्रेड भी और उसका वीडियो भी मैंने बनाया और इसके प्रूफ है मतलब मैं, मैं कुछ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ मेरे को मेरा काम क्या है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं ये पैटर्न्स को स्टडी कर रहा हूँ अब ये पैटर्न है दीवार पे कुछ पैटर्न है यहाँ पे लाइन है तो वो पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पे कुछ लाइन्स है वो रिपीट हो रहा है तो अगर मार्केट कुछ रिपीट कर रहा है तो मुझे उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा कि भाई हर मार्च में या हर सेप्टेम्बर में कुछ ना कुछ बड़ा उछाल होता है तो मैं उसको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ मेरा कुछ मन नहीं है कि मैं चाहूँ कि मार्केट गिरे यहाँ से सो 21 सितंबर और 21 मार्च इज एन इक्विनॉक्स डेट जहां पे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है आप देखोगे कि कोविड का जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ था वो 23 मार्च को इक्विनॉक्स के एक दिन बाद वहां पे बॉटम बना मतलब पूरा हफ्ता गिरा और वहां पे बॉटम बन गया उसके बाद वो गिरावट बंद हो गई तो मतलब कि इक्विनॉक्स के दिन पे उसने बॉटम बना दी और वहां से जो उछाल आया वो वह एक साल तक चला साढ़े वाला निफ्टी बाईस हो गया तो अगर आप इस डेट पे ध्यान देते हो और उस टाइम पे टेक्निकल सिग्नल भी मिलता है तो शायद आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते थे तो जो अगेन मैं बताऊं, जो बिलीव करता है उसके लिए चलता है जो नहीं बिलीव करता है नहीं चलता तो सर अगर आप नंबर जो बता सकते हो तो हाईएस्ट ट्रेड कितना था आपका हाइस्ट ट्रेड मेरे कुछ एट फिगर ट्रेड्स होते हैं जो एक करोड़ के ऊपर जाते हैं दो करोड़ के ऊपर जाते हैं जो मैंने वीडियोस बनाए कि और मैं हमेशा पूरा एक्सप्लेन करता हूं कि ये कहां लिया मैंने क्यों लिया कितना बेचा कितने में बेचा बट ये नंबर्स है ना कभी कभी इंटीमिडेटिंग होते हैं अब जो आदमी देख रहा है सामने कैपिटल कितना है सामने रिस्क कितना है करोड़ नंबर सुन के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं लेकिन अगर मेरे पास दस का कैपिटल है या पच्चीस का कैपिटल है तो हमेशा नंबर्स को छोड़ के परसेंटेज को देखना है आपके पास लाख रुपया है आपके पास दस लाख है आपके पास एक करोड़ है मेरे पास बीस हजार रुपये है बट परसेंटेज वाइज रिटर्न जिसने ज़्यादा बनाया वो एक बेटर ट्रेडर इन्वेस्टर गिना जाता है राइट right? तो हम हम नंबर्स की बात करेंगे तो ऑडियंस को लगेगा कि यार एक करोड़ों की बात हो रही है लेकिन नहीं आपका कैपिटल पे रिटर्न परसेंटेज देखो फिर आप दस हज़ार पे हज़ार रुपया भी कमाते हो दस परसेंट बनाते हो विच इज़ वेरी गुड अगर मान लो किसी एक फाउंडर की नेगेटिव पीआर हो रही है या उसने जैसे फॉर एग्जांपल बहुत फॉर एग्जांपल है कि जोमैटो के जो इम्प्लॉई है वो खाना खा रहे हैं या और कोई मतलब डिलीवरी करते हुए तो वो वाली चीज़ तो फिर इफेक्ट कर जाएगी ओवरऑल कंपनी के स्टॉक्स को वो वो मैटर कितना बड़ा होता है कितने ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं अगर किसी ने कर दिया और उनके फाउंडर या उनके किसी ने भी अपोलॉजी कर दिया ख़त्म हो गई मैटर इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन कोई बड़ा स्कैम हो जाता है किसी ने चीटिंग कर लिया या किधर कुछ हो गया तो फिर प्रॉब्लम होता है और क्या इस चीज़ ऐसी न्यूज़ छोटी मोटी न्यूज़ को लोग मार्केट में मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट करने के लिए और पी करके और चीज़ें करके मैनिपुलेट कर सकते हैं कर सकते है करोबल कंपनीज इसी इसीलिए इसी हाँ कर सकते हैं कर भी हो भी सकता है बट हमारे लिए वही मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको ट्रेड करना है और चार्ट्स देख के ट्रेड करना है तो ये जो जितनी भी चीज़ें बाहर होती है न्यूज़ पे टीवी पे न्यूज़पेपर में सोशल मीडिया पे उसको मत देखो और चार्ट्स को देखो क्योंकि जो चार्ट दिख रहा है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड उसी में आपका रिस्क है उसी में आपका स्टॉप लॉस है उसके अंदर आपका बाइस सेल प्राइस सब है और उसी में सारी इन्फॉर्मेशन है जो ये यह यहाँ पर जो चल रहा है बाहर वो फैक्टर हो चुका है अब आप इसको देख के इधर एक्ट करो या इसी को देख के इधर एक्ट करो विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट तो आई अवॉइड ऑल काइंड ऑफ न्यूज़ मतलब मैं ऑलमोस्ट एवरी वीक दो या तीन शो पे रहता हूँ टी वी अलग अलग चैनल पर बट मैं खुद भी टी नहीं देखता हूँ क्योंकि मेरा जो एनालिसिस है मेरा चार्टे है मुझे वहां से कुछ नई इन्फॉर्मेशन या वो नहीं मिलने वाला है जिससे मेरा ट्रेडिंग बेटर या खराब या अच्छा हो सकता है सर uh. जैसे आपने बताया कि आप स्टॉक मार्केट का हार्ड देख रहे हो जो राइट right. और कभी कभी हार्ट में फ्लैट लाइन भी आती है सडन डिप आता है तो right. उस केस में फिर आप कैसे प्रिपेयर करते हो स्टूडेंट्स सो so, अगर साइडवेज जो आप बोल रहे हो फ्लैट लाइन मतलब मार्केट साइडवेज है चौपी है तो मतलब उस मार्केट को हाथ नहीं लगाना है उसको टच नहीं करना है जब उसमें स्पाइक आएगा स्पाइक मतलब या तो ऊपर आएगा या तो नीचे आएगा तो स्पाइक आएगा उसके बाद मुझे डिसीजन लेना है तो जो सबसे बड़ा मिथ है मार्केट में वो है कि हमको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि मार्केट किधर जा रहा है उससे अच्छा है कि मैं मार्केट को फॉलो करूँ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि भाई मैं बाय कर रहा हूँ और नीचे जा रहा है तो मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि मैं सेल कर रहा हूँ अगर वो साइडवेज जा रहा है तो मैं उसको हाथ ही नहीं लग रहा बट बहुत लोगों को है कि वो जब ऊपर जाता है तो वो सोच अभी गिरेगा मैं इसको बेचता हूँ जब नीचे जा रहा है उसको यहाँ से चलेगा ऊपर तो मतलब उल्टा काम कर उल्टा काम कर रहे हो तो आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उससे अच्छा फॉलो करो जो हार्ट जो डॉक्टर की बात की हमने हार्ट की बात की तो डॉक्टर पहले देखता है कि क्या है उसके बाद सजेशन देता है वो प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है यहाँ से लाइन ऊपर जाने वाली है वो लाइन देखने के बाद दवाई देता है तो हमको भी लाइन देखने के बाद ही बाई करना है या सेल करना है जब तक लाइन में कोई सिग्नल नहीं है हमको कुछ नहीं करना सर थोड़ा आपका स्टूडेंट एक्सपीरियंस जानते हैं क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो कोई एक ऐसा मोमेंट या कोई एक ऐसा स्टूडेंट आपकी लाइफ में आया हो जिस जो आपको याद हो कि हाँ भाई मतलब क्योंकि आप बहुत सारे ऑनलाइन भी पढ़ाते, भी भी पढ़ाते <laughs> हो ऑफलाइन जिसने आपसे ज़्यादा पैसे कमाए बहुत लोग या फिर ज़्यादा फेमस हो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और आ, मुझे दो तीन ऐसे किस्से याद है एक तो मैं एयरपोर्ट पर था और वो सिक्योरिटी जो चेक करते हैं वो मेरे से ऐसे चेक स्कैन कर रहा था और वो मुस्कुरा रहा था तो सर क्या हो गया सर मैं आपको जानता हूँ मलकान सर आपकी जी एफ एस स्ट्रैटेजी चलती है मैं अच्छा ठीक ठाक कर रहा हूँ चेक करने वाले हाँ, कह रहे हैं अच्छा और बाद में तो बहुत सारे जगह पे जब होटल्स में या कोई आ, स्टाफ होता है मैनेजर होते हैं वेटर्स होते हैं और बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो बहुत खुशी होती है कि कहाँ कहाँ तक वीडियोस का असर होता है और कहाँ कहाँ लोग सीख रहे हैं आजकल बिकॉज ऑफ थैंक्स टू फाइव थैंक्स टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एंड और दूसरा है कि हमारा जब प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे जो स्क्रीन्स पे जो हज़ारों लोग होते हैं उसमें से मैंने किसी एक को पिक किया और उन्होंने मेरे से शेयर किया और उनकी जो स्टोरी थी वो बहुत ही हार्ट टचिंग थी बोला कि मैं किसान हूँ और खेती करता था आपके वीडियोज़ देखे और मेरे पास पैसे भी नहीं थे आपके कोर्स ज्वाइन करने के धीरे धीरे करके कुछ किया उन्होंने जुगाड़ किया और आज वो Uh, पहले बोल नहीं सकते थे आज मेरे साथ वीडियो पे बात कर रहे हैं इंग्लिश उन लोगों ने सीखा कंप्यूटर चलाना सीखा पैसे बनाना सीखा और उनके फैमिली मेम्बर्स में सब ने सीखा और सब लोग की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई और वो एक हमारे वीडियोस लगे हैं उसके टेस्टिमोनियल बट वो एक टच था कि अब जैसे हमारा एक प्रोग्राम का नाम है एनी बडी कैन ट्रेड अब हमने रखा था तभी तो वो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो एनी बडी कैन डांस और एनी बडी कैन जो फेमस है तो बट अभी रियल में ऐसा लगता है कि एनी बडी कैन ट्रेड बट प्रोवाइडेड आपको मेहनत करनी पड़ेगी मतलब अगर एक किसान कर सकता है एक ऊबर ड्राइवर का हमारे पास वीडियो है कि मैं ड्राइविंग करता था साथ साथ बीच बीच में वीडियो देखता था और फिर वहाँ से मैं अभी ट्रेडर बनाऊँ तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं तो एनी बडी कैन ट्रेड हो सकता है लेकिन आप इसको एक बिजनेस की तरह लो पढ़ाई की तरह लो पहले एक दो साल आपको पढ़ाई दो आप जब मार्केट में उतरते हो ना तो आप ऐसा मत सोचो कि पैसा बनाना है आप पहले सोचो कि मैं कैसे सर्वाइव हो जाऊँ मतलब मैं दो साल निकालू और मेरा लॉस ना हो प्रॉफिट नहीं होगा चलेगा मुझे मार्केट में टिकना है टिकूंगा तो गेम को समझूंगा गेम को समझूंगा तो आगे जाके पैसा बनाऊंगा स्टार्टिंग से पैसा मत बनाओ अच्छा सर जो ये अब ट्रेडिंग करना भी बहुत इजी हो गया है लोग ऐप्स के थ्रू ट्रेडिंग बहुत कर रहे हैं तो और ऐप्स का क्या है सर पता नहीं होता कब खुल रही है कब बंद बंद हो रही है ऐसा हमने क्रिप्टो के साथ बहुत देखा कि क्रिप्टो में ट्रेड कर रही है कोई ऐप और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रही आज उनका नामो निशान नहीं पता तो मैं जानना चाहता हूँ कि आ, सबसे सेफ तरीका कोई भी ट्रेड करने का वो क्या है क्या हर ऐप ट्रस्टेबल है सो क्या सो पहले तो आ, मेरा पहले से क्रिप्टो पे यही व्यू है आई डोंट ट्रेड ना मैं प्रमोट करता हूँ ना मैं ट्रेड करता हूँ और ना में मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आता है जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो करना नहीं वो मेरे मैं कहीं पे भी क्रिप्टो पे मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया एक ही वीडियो बनाया कि मैं नहीं करता हूँ और दूसरा है कि अगर आप स्टॉक्स ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स में ऐप्स है अब खाली ऐप नहीं है जो क्रिप्टो के ऐप्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है लेकिन अगर स्टॉक्स के ऐप है तो वो स्टॉक ब्रोकर है और स्टॉक ब्रोकर की कहीं ना कहीं ऑफिस होगी पहले ऐसा था अच्छा ब्रोकर खराब ब्रोकर या सस्ता ब्रोकर मतलब जो ब्रोकरेज दो तरह के ब्रोकरस एक डिस्काउंट ब्रोकर्स और एक स्टैंडर्ड ब्रोकर्स स्टैंडर्ड ब्रोकर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल एंजल ब्रोकिंग शेर खान और डिस्काउंट ब्रोकर्स मतलब जहाँ पे ब्रोकरेज बहुत ही कम होती हो है और जो ऐप से ट्रेड होते हैं जैसे जीरो दा ग्रो तो सभी सभी प्लेटफॉर्म सही है और अगर आप बहुत बड़ा ट्रेडिंग कर रहे हो और बहुत बड़ा कैपिटल इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे लगता है कभी कभी दो ब्रोकर होना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी एक ऐप नहीं खुली या एक कुछ हो गया कहीं कुछ हैंग हो गया या सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरी जगह पे आप पोजीशन बना सकते हो और अगर छोटा मोटा ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है आप कोई भी ऐप से करो सब सारे आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी स्ट्रांग है और गांव-गांव में लोग ट्रेड करते तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आपको खाली ये देखना है कि ये ब्रोकर है और काफ़ी टाइम से है काफ़ी फॉलोअर है काफ़ी सब्सक्राइबर्स है कुछ नए ब्रोकरस होते हैं तो पता नहीं है कि अभी स्टार्ट हो रहे तो जस्ट रेप्यूटेड ब्रोकरस के साथ जाओ और आप उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर बीइंग अ ट्रेडर जो आप पैसे बनाते हैं uh, तो आपको टैक्सेशन पॉलिसी कैसी लगती है इंडिया की और कितना परसेंट आपका टैक्स चला जाता है और कितना दुख होता है वो या ठीक लगता है मतलब नॉमिनल रेट्स है या ग्लोबली भी कंपेयर करें अगर ग्लोबली तो हमारे टैक्स रेट्स थोड़े से हाई है वो तो वो तो सब स्टॉक ट्रेडिंग पे थोड़े अलग टैक्स स्टॉक ट्रेडिंग पे अलग अलग टैक्स होते हैं आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल है मतलब आपने अगर आज खरीदा और एक साल के बाद बेचा तो बहुत कम टैक्स लगता है और शॉर्ट टर्म इनकम करते हो जैसे डेरेवेटिव में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन तो वो प्रॉपर रेगुलर इनकम में गिना जाता है जो थर्टी थर्टी में आता है बट मेरा एक ही मेरा एक ही स्टैंड से पहले से जो इनकम टैक्स की बात करते हैं वो है कि द वर्ड इज़ इनकम टैक्स पहले इनकम होनी चाहिए इनकम होती है तो मुझे टैक्स भरने में अब मैं टैक्स को और रेट को तो बदल नहीं सकता हूँ तो पहले इनकम करो जितना ज़्यादा इनकम करोगे उतना अच्छा है ताकि आपके पास उतना ज़्यादा बचेगा और टैक्स भरना है तो आई डोंट थिंक कि टैक्स के प्रॉब्लम में आपको टैक्स के वजह से टेंशन लेके ट्रेडिंग में वो चीज़ आनी चाहिए आप पहले फ़ोकस करो कमाओ आज बड़े से बड़ा आदमी भी ये नहीं सोचता कि मैं टैक्स कितना भरूंगा वो सोच रहा है कि मैं कितना कमा रहा हूँ अच्छा सर अपना जो यूथ है जो कि चाहता है कि भाई जल्दी पैसा है मेरे पास रोज़ का पैसा है कि मैं डेली कमाऊँ तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करते हो तो ये ये मैं हमेशा हमारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ हमारा एक प्रोग्राम हम जल्दी लॉन्च करें जो बच्चों के लिए बच्चों मतलब टीन के लिए और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल देखा जाता है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब मैं हमेशा ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि इंडिया में दस में से सात आईफोन फोन ई एम लिए गए हैं जो नए आईफोन लॉन्च होते हैं पंद्रह या सोलह जो भी है तो उसका मतलब है कि यूथ इज़ बाइंग द आई और गैजेट ऑन ई एम आई देट मीन्स उनके पास उतने पैसे नहीं है फिर भी वो ख़रीद रहा है तो इट इज़ लाइक इट इज़ नॉट इट इज़ देर वॉन्ट तो वो ये समझना ज़रूरी है कि मेरी नीड क्या है मेरा वॉन्ट क्या है मेरी चाहत क्या है और मेरी ज़रूरत क्या है तो अगर आप दो या तीन लेवल नीचे जाते हो पंद्रह की जगह पर दस खरीदते हो तो आपका पच्चीस पचास हज़ार बचता है और वो आप इन्वेस्ट करते हो अगर आप नहीं समझ में आता है स्टॉक मार्केट पहले जब सीख रहे हो तो आप थोड़ा सा म्यूचुअल फंड से जा सकते हो जो इनडायरेक्ट वे है तो वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो और फिर धीरे धीरे समझ में आने के बाद डायरेक्ट इक्विटी में कर सकते हो तो मैं यूथ को एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिलेड ग्रेटिफिकेशन को टन कर दो कि अगले दो साल तक मेरे पास ना कोई लेटेस्ट गैजेट या मोबाइल या गाड़ी या कार या बाइक चाहिए मुझे मैं ये सारा जो पैसा है उसको लर्निंग में अपने आप में इन्वेस्टमेंट और मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ जिससे मेरा रिटर्न बेटर हो बाद में और उसी जब उसमें से रिटर्न आएगा उससे मैं वो ख़रीदूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगे आज, आज लोन खरीद मैं लोन लेके ख़रीद रहा हूँ और ई एम भर रहा हूँ बट उससे अच्छा है कि यही पैसा मैं डालूँ और उससे रिटर्न कमाऊँ और उससे मैं मोबाइल ख़रीदूँ या गाड़ी खरीदूँ या जो भी है तो मुझे उससे ज़्यादा सेटिसफेक्शन और वो सही तरीका है सर वो मीन्स भी तो बनते हैं ऐसे कहते हैं ना कि तुम जॉब पे जाने के लिए गाड़ी खरीदते हो और जॉब पे काम करते थे गाड़ी की तुम ई भर पाओ तो वही चल रहा है और लोग इस तरीके लूप से में फंसे हुए हैं लूप में फंसे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और बहुत अवेयरनेस हो रही है आजकल बट और भी ज़रूरत है कि लोग पहले अपना फ़ाइनेंशियल फ्यूचर सेव करें फाइनेंशियल फ्यूचर सेव कब होगा जब फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी और फाइनेंशियल एजुकेशन होगा जैसे हम आप हमारे वीडियोज़ में करते हैं आप भी कुछ कितने सारे पॉडकास्ट करते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन होगा तो आप फाइनेंशियल डिसीजनस अच्छे ले पाओगे और फाइनेंशियल डिसीजन अच्छे होंगे तो फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी अच्छी होगी पैसा ज़्यादा होगा तब जाके आप ये सारी चीज़ें सर जाते जाते मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ बहुत लोग स्टॉक्स की जगह गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी इंटरनेट पे वीडियोस फ्लोट हो रही है कि सिल्वर अपकमिंग सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ या वैल्यू देने वाली चीज़ होने वाली है सिल्वर और गोल्ड के लिए ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड तो कभी कम होता ही नहीं बढ़ता ही जाता है या प्रॉपर्टी Uh, तो प्रॉपर्टी में तो हैवी इन्वेस्टमेंट इन होती है बट गोल्ड और सिल्वर का मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि तो आप ये सारे एसेट क्लासेस बोलते हैं इसको कि गोल्ड है सिल्वर है मतलब मेटल हो गया रियल इस्टेट हो गया स्टॉक्स हो गया बॉन्ड्स हो गया और आजकल क्रिप्टो भी है और वो सब है तो आप ट्रेडिशनली देखोगे रिटर्न वाइज लास्ट दो साल का डेटा देखोगे तो इक्विटी हैज़ गिवन द हाइस्ट रिटर्न स्टॉक मार्केट ये रिटर्न डेटा बताता है दूसरा Uh, जो हम एनालिसिस करते हैं जैसे ये चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस आप गोल्ड पे भी अप्लाई कर सकते हो गोल्ड का भी चार्ट होता है सिल्वर का भी होता है तो जब आपको लगता है कि चलो सिल्वर ऊपर जाएगा सिल्वर का चार्ट ब्रेकआउट देगा या पैटर्न में बैठेगा तो सिल्वर बाय करेंगे और या गोल्ड बाय करेंगे बट ट्रेडिशनली स्टॉक स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है इतने में रियल इस्टेट और रियल इस्टेट में प्रॉ रिटर्न अच्छे हैं बट वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा है और वो कभी कभी लिक्विड मतलब लिक्विड नहीं होता मतलब मुझे आज पैसा चाहिए तो मैं आज नहीं बेच सकता यहाँ पे क्या है कि ये लिक्विड बिजनेस है आज बेचोगे कल आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा आप छोटा स्टार्ट कर सकते हो मैं पाँच सौ से भी स्टॉक मार्केट ट्रेड कर सकता हूँ पाँच हज़ार से भी कर सकता हूँ वो आप रियल इस्टेट में शायद नहीं कर सकते तो यहाँ पर फ्रीडम बहुत ज़्यादा है बट एक ही चीज़ है पढ़ाई करनी पड़ेगी सीखना पड़ेगा समझ के करना सर सीखा कितने टाइम में जा सकता है जो आपके कोर्सेज़ है वो कितने ड्यूरेशन है उनका हमारे कोर्सेज़ कुछ तीन दिन के कुछ पाँच दिन के कुछ सात दिन के होते हैं बट यूजुअली जो हमारा बड़ा आप कौन सा वाला रेकमेंड करते हो क्योंकि आप खुद पढ़ाई पर बहुत फोकस कर रहे हो कि भाई टाइम देना पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा तो मैं खुद भी इतना पढ़ता हूँ मतलब मैं साल में कम से कम दस से बारह कोर्सेज मैं खुद करता हूँ उसमें से चार मेरे इंटरनेशनल होते हैं तो मैं तीन से चार बार यू एस जाता हूँ ये सब बिजनेस मार्केटिंग ब्रांडिंग बिजनेस को बड़ा करना इसके लिए मैं जाता हूँ तो मैं पढ़ाई सेल्फ एजुकेशन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और मेरे पास मेरे और मेघना के पास मेरी वाइफ के पास तीन तीन डिग्रियाँ हैं बट वो डिग्री जैसे हमारा एक फेमस कोर्ट है जिमरॉन का जो बोलते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन मेक्स यू आर लिविंग सेल्फ एजुकेशन मेक्स यू अर फॉर्चून लाइक तो पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए और वॉरेन बफे का भी कोर्ट है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज़ इन योर सेल्फ राइट right. सो so, पढ़ाई करनी चाहिए और जो हमेशा मैं बताता हूँ कि कोई भी शुरुआत कर रहा है तो हमारा जो बेसिक प्रोग्राम होता है तीन दिन का या पाँच दिन का जो हर कुछ दो तीन महीने में होते रहता है इसका नाम है एनी बडी कैन ट्रेड या द मनी चैलेंज ये सारे बेसिक प्रोग्राम है जो एकदम मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में आपको समझ में आ जाता है फिर आपको समझना है कि मुझे इसको बड़े लेवल पे लेके जाना है फुल टाइम करना है तो मैं बड़े वाले कोर्स में या बड़े वाले प्रोग्राम में जाओ नहीं तो जितना मुझे यहाँ पे सिखाया उससे मैं छोटा मोटा ट्रेडिंग तो समझ ही लूँगा और कर लूँगा तो दैट्स तो हाउ वी लुक और बेसिक है उससे भी कम करना है तो आप फ्री वीडियोज़ देखो चैनल्स पर बहुत सारे हैं और हमारी किताब भी छपी है जो 400-500 रुपए में मिलती है तो वो भी आप खरीद सकते हो उसमें भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर आप इस लेवल पे आके अभी भी इतना पढ़ रहे हो इतना सीख रहे हो और आपने पैसा तो बना ही लिया है तो मैं जानना चाहता हूँ मतलब आपके कुछ प्लान्स है कि हाँ मैं इस एज के बाद अब नहीं करूँगा रिटायरमेंट प्लान जिसे कहते हैं कि अब मैं अब रिटायर हो जाऊँगा अब नहीं करूँगा नहीं हो गया सो so, रिटायरमेंट ये भी एक आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटायरमेंट uh, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट जैसा मेरे को कुछ लगता नहीं है क्योंकि रिटायरमेंट किसको चाहिए जो जो वो काम कर रहा है उसको वो पसंद नहीं है कि भाई मैं पाँच पचास साल या साठ साल तक पढ़ाई काम करूंगा या पैसा बनाऊंगा उसके बाद रिटायर हो जाऊँगा मुझे जो मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे बहुत पसंद है मेरे ब्लड में है मैं सत्ताईस साल से और मैं मतलब मरते दम तक ट्रेडिंग और ट्रेनिंग करूँगा मुझे सिखाना भी अच्छा लगता है और ट्रेडिंग करना भी अच्छा लगता है तो आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर और मुझे बोलता है ना जैसे गांधी जी का एक कोट है यू लिव

रिटायरम प्लान फॉर सर, मजा सर, आ गया, गया।, गया आपसे बात करके सर आप बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी और अब हमें भी इंटरेस्ट हो रहा है कि हम कुछ सीखे और जिन लोगों को ये पॉडकास्ट उनके इंटरेस्ट हो रहा है कि वो कुछ सीखे तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है सर के कोर्सेज की भी सर के यूट्यूब चैनल की भी और यहाँ स्क्रीन पर भी सर के यूट्यूब चैनल का गोल बटन आ रहा है आप दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम सर का स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा था डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर भी सर कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं आप इनसे जुड़ सकते हैं इनके कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि अगला इवेंट कहाँ हो रहा है आप वो अटेंड भी कर सकते हैं और इसी तरह हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया पॉडकास्ट लाते रहेंगे और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ टिल डेन बाय बाय टेक केयर जय श्री राम बाय हैप्पी ट्रेडिंग हैप्पी लर्निंग थैंक यू बाय बाय